हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लिमिट्स में। तो पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेता, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो होमवर्क क्वेश्चन में लेट मी राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। पहला होमवर्क क्वेश्चन था हमारा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x रेज टू पावर x माइनस a रेज टू पावर x अपॉन x माइनस a, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का रिप्लाई आया है इसके ऊपर, काफी लोगों का करेक्ट भी है। अब चलो देखते हैं इसको कैसे करें। तो देखो, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स में एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको हम लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको वेरिएबल वन बोला, इसको वेरिएबल टू बोला, सो आई कैन राइट इट एज e की पावर ln वेरिएबल वन रेज टू पावर वेरिएबल टू। ये चीज मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को लॉग में बताया था, ठीक है ना। दिस विल बी यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। अभी आगे जाके हम और भी कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे इंडिटरमिनेंट को रिजोल्व करने के लिए, तो उधर भी मैं ये चीज यूज करूंगा, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसको। तो मैंने बोला x की पावर x है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं इसको लिख रहा हूं e की पावर x ln x। देखो करेक्ट लिखा है, दिस इज नथिंग बट x, क्योंकि ये x इसकी पावर में चला जाएगा और e की पावर ln क्या होता है, वन होता है, तो x की पावर x। सिमिलरली माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर x ln a, और नीचे क्या लिखा है, x माइनस a। दिस इज द मेन स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार ये स्टेप आ गया उसके बाद तो फिर बहुत ईजी है, क्योंकि इस टाइप को तो हम बहुत बार किए, बहुत से मतलब लास्ट क्लास में किए थे, e की पावर समथिंग माइनस e की पावर समथिंग। क्या होता है हमारा प्रोसीजर, इधर वन बनाना है, इधर वन बनाना है, तो क्या करें, e की पावर x ln a, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैंने क्या किया इधर, ये समझ में आया ना कैसे, एक बार और, ये क्या लिखा है बेसिकली, दिस इज e की पावर ln a रेज टू x, देखो ऐसे लिखा है, और e की पावर ln कैंसिल हो जाता है, तो a की पावर x ही लिखा है, ठीक है। अब मैं इसमें e की पावर x ln a कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया e की पावर x ln a कॉमन ले लिया, या e की पावर x ln x माइनस x ln a माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। लिमिट हमारा एक्सटेंड्स टू a चल रहा है। चलो अब क्या करें, अब देखो e की पावर समथिंग माइनस 1, ये क्या है हमारा e की पावर समथिंग माइनस 1। अब उस समथिंग की कमी है, अगर वो समथिंग और मिल जाए तो मैं इसको 1 बोल दूंगा स्टैंडर्ड लिमिट से, क्योंकि ये जो समथिंग है, अगर x 1 को जा रहा है तो ये a ln a माइनस a ln a 0 को जा रहा है, तो क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से, x ln x माइनस x ln a, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया x ln x माइनस x ln a, ठीक है। तो अब देखना कौन सा फैक्टर मेरा 1 हो गया, देखो मैं इधर मार्क कर रहा हूं सर्कल में, ये फैक्टर मेरा स्टैंडर्ड लिमिट से 1 हो गया, दिस इज 1। तो अब मेरा फाइनली इधर क्या बचा, मैं इधर लिख देता हूं, देखना इधर मैं लिख रहा हूं, देखो क्या बचा, e की पावर x ln a, ये तो a की पावर x ही लिखा है, एक मिनट देख लेता हूं, हाँ a की पावर x ही लिखा है, तो ये तो मेरा हो गया a की पावर x, और ये चला गया मेरा, इधर क्या बचा, x ln x, x ln x माइनस x ln a होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, क्लियर है। चलो अब देखते हैं, इसमें से x और कॉमन ले लेता हूं मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू x, और इधर हो जाएगा ln x माइनस ln a, और ln x माइनस ln a मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ln a by b, तो ये हो जाएगा बेसिकली मेरा ln of x by a, और नीचे बचा मेरा x माइनस a। अब हम लॉग वाले पे आते हैं, लॉग वाले में मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस समथिंग, और जो समथिंग है वो 0 को जाना चाहिए, तो इसमें क्या किया मैंने, जबरदस्ती 1 क्रिएट किया, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं इधर, इधर लिख रहा हूं, देखो क्या किया मैंने, a की पावर x मेरा लिखा है, x लिखा है, a की पावर x लिखा है, और नीचे लिखा है x माइनस a। अब मैं इस ब्रैकेट को बोल रहा हूं, मैंने लिखा ln ऑफ 1 प्लस, और फिर 1 सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो x by a माइनस 1, ठीक है, वही लिखा है ये चीज। अब ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग, ये मेरा समथिंग है, और समथिंग 0 को जा रहा है अगर x 1 को जा रहा है, तो मैं इस समथिंग से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, x by a माइनस 1, और ये हो गया मेरा x by a माइनस 1। देखो अब क्या करें, ये स्टैंडर्ड लिमिट से अगेन ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, तो फाइनली मेरा क्या बचता है, देखो फाइनली वी लेफ्ट आउट विद x इंटू a की पावर, ये क्या लिखा था मैंने, a की पावर x, ठीक है, अपॉन x माइनस a, और ये इसको एलसीएम लूंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस a अपॉन a। अब मेरे को लिमिट लगाना है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो देखो इसके इस फैक्टर के कारण इनडिटरमिनेंसी आ रही थी, वो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा मेरा, अगर x सॉरी 0 को नहीं 1 हो जाएगा, तो ये a है, 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया,
a इंटू ए की पावर a होल डिवाइडेड बाई a, तो ये a से a कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विथ a रेज टू पावर a. सो दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, मतलब जे में अगर आता है तो अच्छे लेवल का माना जाएगा. और इसके बाद जो क्वेश्चन था वो इससे भी ज्यादा बेटर है, तो उसको और डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है. तो जिसने नहीं किया था वो वीडियो पॉज करे और इसको कॉपी कर लो. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था एक्स ए की पावर एक्स लिमिट लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स ए ए की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है. चलो और अब देखते हैं इसको करते हैं. तो देखो सबसे पहले जो अभी मैंने लाइन ऑफ थिंकिंग बताया था, वेरिएबल जब भी पावर समथिंग टू द पावर समथिंग लिखा, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एल एन. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स एल एन ए, ठीक है, माइनस एक्स की पावर ए को क्या लिख सकता हूं, ए की पावर ए एल एन एक्स. देखो ध्यान देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, इधर तो ए की पावर एक्स लिखा है, इधर एक्स की पावर ए लिखा है, अपॉन एक्स माइनस ए. देखो और भी तरीके हैं इसको, ऐसा नहीं हम मैं बाइनोमियल से भी कर सकता हूं इसको, ठीक है ना. उसके लिए तुम पहले क्या करो, एक्स को जीरो की तरफ लेके जाओ, उससे भी करेंगे, ठीक है. नहीं तो अब देखो क्या करूं, अगेन मैं इधर वन वन बनाऊंगा क्योंकि मुझे ई की पावर समथिंग माइनस वन चाहिए, तो ई की पावर ए एल एन एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो ई की पावर ए एल एन एक्स कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट आउट विथ वॉट, ई की पावर एक्स एल एन ए माइनस ए एल एन एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. तो ये तो मेरा क्या लिखा है, बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, और अगर एक्स ए को जाएगा तो ये मेरा बेसिकली ए की पावर ए लिखा है, तो मैं इसको हटा के ए की पावर ए लिख देता हूं. तो आई एम रिमूविंग दिस, यू हैव टू राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप. तो ये हो जाएगा ए की पावर ए. अब आते हैं इसके ऊपर, अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला होगा. तो इधर क्या लिखा, ए की पावर एक्स एल एन ए माइनस ए एल एन एक्स होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए. तो अब क्या करें, तो देखो क्या किया, ये मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, ठीक है. तो सबसे पहले ये देखा कहां जा रहा है, समथिंग ए एल एन ए माइनस ए एल एन ए जीरो को जा रहा है, तो पहले तो मैंने ये e की पावर वाला जो पार्ट है ना उसको हटाया यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला. उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये समथिंग जो है दैट आई वांट इन द डिनोमिनेटर, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा एक्स एल एन ए माइनस ए एल एन एक्स, और ऊपर से कर दिया एक्स एल एन ए माइनस ए एल एन एक्स. अब यूजिंग द स्टैंडर्ड लिमिट मेरा ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज वन अगर एक्स ए को जा रहा है, तो बिकॉज ए की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन दैट समथिंग. तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद ए की पावर एक्स इंटू एक्स एल एन ए माइनस ए एल एन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए की पावर ए लिखा है, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए. अब क्या करें, तो देखो अब क्या किया, अब पहले मैं इस वेरिएबल को जीरो की तरफ लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जीरो की तरफ लेके आऊंगा तो ज्यादा आसानी से चमकेंगी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इंस्टेड ऑफ दूसरे वेरिएबल की तरफ जा रहा है. तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, x इज इक्वल टू t प्लस a, तो मेरा t कितना हो गया x माइनस a, तो अगर x a को जा रहा है तो t कहां जाएगा, जीरो को, तो मेरा ये कन्वर्ट हो गया लिमिट t टेंडिंग टूवर्ड जीरो, और ये मेरा बचा a की पावर a, तो कॉन्स्टेंट है वो तो लिखा रहा, इधर x की जगह मेरा आ गया t प्लस a, t प्लस a इंटू एल एन ए माइनस ए एल एन, और x की जगह लिख दिया t प्लस a, t प्लस a, और डिनोमिनेटर देखो मेरा क्लीन है, एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा टी, ठीक है, समझ में आया जाता. चलो अब आगे लिखता हूं, तो मैं थोड़ा सा पार्ट रब कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग पॉज करके कॉपी कर लेना. अब देखो अब मैंने बोला, अब ना क्या करे, देखो ये ए की पावर, सॉरी अगेन ए लिख दिया मैंने, ए की पावर ए है, ठीक है, तो मैंने ए की पावर ए तो बाहर लिखा है. अब क्या किया देखो ध्यान से, अब लिमिट को सेपरेट किया, उससे पहले मैंने एक काम कर दो, पहले ओपन कर लेता हूं इस ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा टी एल एन ए, टी एल एन ए, और ये हो जाएगा प्लस ए एल एन ए, प्लस ए एल एन ए, ठीक है, और माइनस ए एल एन टी प्लस ए, ठीक है, और तीनों को अलग अलग टी दे दिया, ये टी दे दिया, ये टी दे दिया, और ये टी दे दिया, ठीक है ना. एक्चुअली वी आर सेपरेटिंग, द रीजन इज लिमिट्स को कब सेपरेट कर पाते हैं एडिशन में, जब उसमें से एक भी कोई फाइनाइट हो. यू कैन सी कि ये टी से टी कैंसिल है, तो ये एलएन है, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है ना, सो इसलिए आई कैन सेपरेट दिस पार्ट, ठीक है ना, इसलिए मैं ब्रेक कर पा रहा हूं लिमिट्स को. तो ये हो गया ए की पावर ए, अगेन राइटिंग ए की पावर ए इंटू, ये हो गया एलएन ए प्लस. अब देखो इधर से क्या किया, ए कॉमन लिया, चलो माइनस ए कॉमन लिया, मैंने बोला माइनस ए कॉमन लेके देखो
क्या आएगा? When you will take minus a common, तो देखो इधर क्या बचेगा, ln of t plus a minus ln a, फिर मैं उसको लिखूंगा ln of a by b, तो इधर क्या जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं ln of t plus a divided by b. देखो एक बार जस्ट सी इट, तुम्हें समझ में आया क्या लिखा है? माइनस ए कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, एल एन ऑफ टी प्लस ए माइनस एल एन ए, तो एल एन ए बाय बी वाला फॉर्मूला, तो एल एन ऑफ टी प्लस ए अपॉन ए. अब क्या किया देखो, अब हाँ ये तो हो गया ए की पावर ए, ये मेरा हो गया एल एन ए माइनस ए एल एन ऑफ, अब देखो इसको सेपरेट किया ए को, तो ये लिख सकता हूं वन प्लस टी बाय ए, और नीचे लिखा है टी. देखो इस ए को दो में अलग अलग ब्रेक कर दिया. अब देखो अब मुझे वो चीज मिल गई ln of 1 plus something upon something, और दोनों something zero को जा रहे हैं, बट अभी at present moment वो something same नहीं है. ऊपर तो जो something है वो t by a लिखा है, नीचे t लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम a से multiply करके t by a बना देते हैं. ये ऊपर और इधर भी multiply किया. अब जो मेरा ये है देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अगेन माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड दैट इज वन, और ये a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद a की पावर a इनटू ln a माइनस 1. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा मानेंगे, ठीक है ना. तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वो वैसे भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है. तो यही दो क्वेश्चन करवाने थे, और बाकी तो एक और वैसे डाउट था, चलो वो और मैं कर लेता हूं, एक बच्चे का और आया था, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. एक क्वेश्चन और डाउट था, दैट वाज आई थिंक फर्स्ट वन ही शायद किसी का डाउट था, तो लेट मी चेक आउट. लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एल एन ऑफ कॉस ऑफ साइन टी अपॉन टी स्क्वायर. सो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो पे, तो कौन सा फॉर्म है, साइन टी, साइन जीरो कॉस जीरो वन एल एन वन जीरो, तो जीरो बाय जीरो का है. तो एल एन का जो आर्ग्यूमेंट है, ln का जो आर्ग्यूमेंट है, मुझे log में स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी पता है, log of 1 plus something, तो पहले 1 बनाया, 1 बनाने के लिए क्या करूं, 1 plus minus कर देते हैं अंदर, तो ये लिखा ln of 1 plus और फिर cos of sin t minus 1 whole divided by t square. अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 1 ln of 1 plus this is something, और अगर t 0 को जा रहा है तो something कहां जा रहा है, sin t 0 cos 0 is 1, तो 1 minus 1 is 0. अब मैं क्या करूं, ये something से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा cos of sin t माइनस वन, इधर किया और cos of sin t माइनस वन ऊपर किया. दिस इज अ स्टैंडर्ड लिमिट, दिस इज माय वन. अब इधर इसको मैं माइनस करके लिख रहा हूं, तो माइनस ऑफ वन माइनस cos of sin t होल डिवाइड बाय t स्क्वायर. तो अगेन अब हमारा कौन सा फॉर्मूला गया, cos वाला. cos वाले में क्या था स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वन माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स जीरो को जाता है तो दिस इज हाफ, एक्स की जगह कोई समथिंग लिखा हो बट वो समथिंग जीरो को जाना चाहिए. तो इस कॉस का आर्ग्यूमेंट क्या लिखा है, साइन टी लिखा है, और अगर टी जीरो को जा रहा है तो साइन टी जीरो को जा रहा है, मतलब कॉस का आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है. अब वो आर्ग्यूमेंट मैं नीचे और लिख लेता हूं, सो दैट आई कैन अप्लाई दैट स्टैंडर्ड लिमिट. तो क्या मल्टीप्लाई करूं, साइन टी से. अच्छा नीचे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर टी से करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर टी. नाउ अगेन दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज हाफ, तो मेरा क्या बना, वन बाय टू माइनस के साथ और साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, और ये तो हमारा वन होता है टी टेंड्स टू जीरो पे, तो फाइनली आंसर फॉर दिस इज माइनस हाफ. आई होप समझ में आया होगा जिसका भी डाउट था ये, ठीक है. चलो अच्छा एक क्वेश्चन और था, वैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें दिया था, आई थिंक मैंने मिस कर दिया था वो डिस्कशन करना, एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, तो मैं उसको और डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है. तो पहले वीडियो पॉज करके तुम इसको कॉपी कर लो. वो क्वेश्चन जो था वो m माइनस p जिसका आंसर था, आई थिंक p माइनस m बाई टू ऐसा कुछ तो था, ठीक है. तो उसका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज, ये इससे पहले वाले क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था, मतलब जो अभी मैंने करे उसके भी पहले वाले क्लास का. द क्वेश्चन वॉज लिमिट x इज अप्रोचिंग 1 m अपॉन x की पावर m माइनस 1 माइनस p अपॉन x की पावर p माइनस 1, ठीक है. ये मैंने एक्चुअली तुम लोगों को जब दिया था, जब मैंने बाइनोमियल पढ़ाया था, ठीक है, मैंने कब दिया था, जब बाइनोमियल पढ़ाया था, और बाइनोमियल पढ़ाने के बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a पे क्या होता है, ये n इंटू ए की पावर n माइनस 1, और इसी में जब मैं a की जगह 1 रख देता हूं
तो मेरा x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कितना हो जाता है n। तो देखो हम बाइनोमियल से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज ये जो रिजल्ट आया था हमारा, ये वाला जो रिजल्ट वो एक्चुअली बाइनोमियल से आया था ना, तो या तो हम इसका यूज नहीं करें और डायरेक्टली इसमें बाइनोमियल लगाएं, और वी कैन डू व्हाट, वी कैन अप्लाई फर्स्ट दिस और जरूरत पड़ी तो बाइनोमियल लगा लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल यूज दिस वन फर्स्ट। कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या किया, पहले एलसीएम लिया। तो पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्यों ले रहा हूं, बिकॉज जब भी हम कोई लिमिट लगाते हैं ना, आई वॉन्ट, जैसे मान लो ये वाला मुझे इस पे लिमिट लगानी है, आई वॉन्ट दिस एक्सप्रेशन टू बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, कीप दैट इन माइंड। जो भी मुझे लिमिट्स लगानी है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिखा ना, तो अभी तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लगा सकता। तो व्हाट आई विल फर्स्ट करेक्ट, आई विल कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म। उसके लिए क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो देखो क्या हो गया, एम इंटू एक्स की पावर पी माइनस एम प्लस पी माइनस पी इंटू एक्स की पावर एम। देखो एक बार करेक्ट लिखा है क्या, दिस इज माइनस एम और विच इज प्लस पी, पी एक्स रेस टू पावर माइनस पी, और ये हो गया एम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और नीचे आ गया मेरा एक्स रेस टू पावर एम माइनस वन, और ये हो गया एक्स रेस टू पावर पी माइनस वन। यहां तक क्लियर है? अभी तक कुछ लिमिट्स का कोई चीज यूज नहीं करी, अभी केवल और केवल मैंने एलसीएम लिया है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब देखो ये वाली चीज x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन किसके बराबर होता है, n। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा x 1 को जा रहा है तो, ठीक है, तो इसमें मैंने अभी x माइनस वन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जनरेट किया x माइनस वन से, मल्टीप्लाई किया x माइनस वन से। सिमिलरली इधर भी x माइनस वन और x माइनस वन। अब मेरा ये जो है, ये जो है मेरा, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, और इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इधर x की पावर n होता था तो आंसर इज n, तो इधर क्या हो जाएगा, दिस इज स्मॉल m एंड दिस पर्टिकुलर इज स्मॉल p, तो नीचे आ गया m into p। और मैं क्यों लगा पा रहा हूं, बिकॉज ये जो दोनों फैक्टर्स हैं दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद, देखो क्या लिखते हैं, ऊपर तो लिखा है एक तो p माइनस m प्लस m into x की पावर p माइनस p into x की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर लिमिट x एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन। ठीक है, यहां तक हो गया, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या किया, जैसे कि मैंने तुम बोला है, कोशिश करना जब तक वेरिएबल किसी और अगर कांस्टेंट पे जा रहा है, जीरो पे नहीं जा रहा, तो आई विल फर्स्ट मेक इट टेन टुवर्ड जीरो। फॉर दैट आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू टी प्लस वन। क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू टी प्लस वन। तो इधर से मेरा t कितना है, x माइनस वन, तो अगर x वन को जाएगा तो t कहां जाएगा, जीरो को। तो लिमिट t टेंड्स टू जीरो, अब मैं रख देता हूं, तो p माइनस एम तो इधर लिखाइए, p माइनस एम प्लस m इंटू एक्स, मतलब t प्लस वन प्लस t लिख रहा हूं इसको, वन प्लस t की पावर p और माइनस p इंटू वन प्लस t की पावर m अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, वन प्लस समथिंग रेस टू पावर n होता है तो हम बाइनोमियल लगाते हैं अगर वो समथिंग जीरो को जा रहा है। अच्छा तो लगाते हैं इसमें, तो ये हो गया मेरा p माइनस m प्लस m इंटू, तो वन प्लस एन इंटू एक्स, वन प्लस एन एक्स होता है, n तो मेरा p है, x मेरा t है, प्लस डेट 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 डैश। अब देखो, अब दिख रहा है क्लियरली कि एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, नहीं ये भी कैंसिल हो रहा है, एक काम करते हैं, एक और टर्म लिख लेते हैं, p इंटू पी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, ये हो गया, और माइनस p टाइम्स वन प्लस एम टी प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू टी स्क्वायर बाय टू होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन। एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा मेरा इधर से, p, तो t स्क्वायर आ गया ये। तो देखो अब कैंसिल आउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैंसिल करना टर्म्स। तो देखो देखो अभी देखो मैंने क्या, देखो जनरली क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम कब तक एक्सपेंड करेंगे, जब फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। तो देखो ये वाला एम तो क्लियर मुझे दिख गया था उस वक्त कि ये वाला एम इससे कैंसिल हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो एक टर्म और लिख देते हैं। फिर देखा कि ये वाला जो टर्म है ना, ये भी एक्चुअली कैंसिल हो रहा है। देखो ये कितना एम पी टी, इधर से माइनस पी एम टी, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, इसलिए मुझे एक और टर्म लिखना पड़ा। तो मैंने क्या बोला था, एक्सपेंड टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल्ड टर्म। क्लियर है? तो अब देखो ये मैं एक तो ये वाला एम और ये माइनस एम कैंसिल, ये माइनस पी और ये पी कैंसिल, फिर एम पी टी और माइनस पी एम टी ये कैंसिल। क्लियर है? तो मैं इधर लिख देता हूं क्या बचा हमारा। देखो ये भी एक अच्छा लेवल क्वेश्चन था, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो उधर देखो क्या बचता है मेरा, एम
पी, एक तो लिखा है एम पी, पी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर बाय टू, और इधर से बचा माइनस एम पी, माइनस एम पी इंटू एम माइनस वन इंटू टी स्क्वायर बाय टू, और नीचे मेरा लिखा है टी स्क्वायर। अच्छा नीचे एक एम पी और था, ठीक है ना, जब मैंने एलसीएम लिया था तो मैं इधर लिखना भूल गया हूं, तो इधर एम इंटू पी लिख लो, ठीक है। सो दिस इज एम इंटू पी, तो देखो एम इंटू पी ये वाला कैंसिल हो रहा है, टी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो मेरा क्या बच रहा है ऊपर, पी माइनस वन बाय टू माइनस ऑफ एम माइनस वन बाय टू। सो दिस इज फाइनली वी आर गेटिंग पी माइनस एम बाय टू, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेदांत तुम चेक कर लेना, आई थिंक तुमने जो व्हाट्सएप किया था उसमें एम माइनस पी लिखा था, सो सी की कहां तुम्हारा नेगेटिव का दिक्कत आया, ठीक है, जस्ट वेरीफाई फ्रॉम दिस आंसर। चलो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, मतलब जेई वालों का फेवरेट टॉपिक है और इजिएस्ट पार्ट है, अकॉर्डिंग टू मी दैट वॉज द इजिएस्ट पार्ट एंड जेई का फेवरेट पार्ट है। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था लिमिट्स का तब मैंने तुम लोगों को बताया भी था वो, ठीक है, आई थिंक याद होगा तुम्हें, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ जेई इन द लिमिट्स एंड दैट फॉर्म इज, लिख लो इधर, वन रेज टू इंफिनिटी फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी है, यू विल सी आज के लेक्चर में तुम देखोगे कि बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बस वही लगाना है हमें, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं इसको, जैसे क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक तो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट एंड दिस इज इक्वल टू नॉट वन, एक्चुअली दिस इज इक्वल टू ई। आया कैसे, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम अभी, पहले इसको दो बार मन में बोल लो, वन प्लस एक्स रेस टू पावर वन बाय एक्स, और एक्स की जगह तुम ज्यादा अच्छा है जनरलाइज फॉर्म ऐसे लिखो, लिमिट चलो समथिंग इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो वन प्लस समथिंग रेस टू पावर वन अपॉन समथिंग दिस इज ई। ये दोनों समथिंग सेम होना चाहिए, ये डिफरेंट हो समथिंग, बट इस समथिंग को जीरो पे ये दोनों समथिंग जीरो जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर इधर एक्स लिखा है, जैसे एक्स लिखा है, एक्स टेंड्स टू टू लिखा है, और इधर मेरा x माइनस टू लिखा है, और इधर भी मेरा x माइनस टू लिखा है, तो लग जाएगा, बैठ जाएगा ये फॉर्मूला, वन प्लस समथिंग रेज टू पावर वन अपॉन समथिंग। देखो x को, सॉरी ये वेट अ मिनट, दिस इज जीरो, जब भी वन रेज टू इंफिनिटी बनेगा ना, वन प्लस जीरो वन, ये वन को जा रहा है बेस, और पावर कहां जा रहा है, अगर x जीरो को जाएगा तो ये इंफिनिटी को जाएगा, तो वन रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने बताया था वन रेज टू इंफिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों है, ठीक है, याद होगा कि वो, जैसे मैंने लिखा वन रेज टू इंफिनिटी, तो जो बेस वाला, जैसे मैंने बोला वन, चलो इसको मैंने जो बेस है वो, तो जो पावर है वो कहां ले जा रहा है, इसको इसको कहां ले जा रहा है, अगर मैंने बोला वन रेज टू इंफिनिटी है। अच्छा उससे पहले एक चीज और, मैंने बोला ये एग्जैक्ट वन है तब आंसर क्या है, ये शायद मैंने बताया भी था तुम लोगों, दिस इज वन, अगर ये वन अप्रोचिंग है, ये रेज टू इंफिनिटी है, तब हमारा ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि अगर ये वन अप्रोचिंग है, मैंने बोला इफ दिस इज 1.01, अगर वन से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये इंफिनिटी को चला जाएगा, अगर ये वन से थोड़ा सा भी छोटा हुआ, लेट्स से 0.9999, तो ये जीरो को चला जाएगा, तो देयर इज इंडिटरमिनेंसी, मतलब हम ऑब्जर्वेशन से नहीं बता पाएंगे फाइनल आंसर कहां जाएगा, वी नीड द फंक्शन, तो फिर हम प्रॉपर मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना, उस टाइम मैंने इसको एक्सप्लेन किया था ऐसे। तो चलो पहले अब इसका पहले प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो प्रूफ के लिए, अभी जैसे तुम लोगों को बताया था मैंने वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वी विल ट्राई विद एलएन लॉग की मदद से करेंगे, कैसे करें देखो, मैंने बोला इस वाले को वेरिएबल की पावर वेरिएबल को मैं लॉग के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो पहले मैंने लिखा के को हम कैसे लिखते हैं, ए की पावर एलएन के, तो मैंने के की जगह अब मैं इस फंक्शन को रख देता हूं, तो एक्स प्लस वन की पावर वन बाय एक्स इज इक्वल टू ए की पावर ln of x plus 1 की पावर 1 by x, क्लियर है। अब मैं वो पावर जो एक्सपोनेंट है, आर्ग्यूमेंट का जो पावर है, उसको आगे लेके आ सकता हूं लॉग की प्रॉपर्टी से, सो ये हो जाएगा मेरा e की पावर में 1 by x ln of 1 plus x, क्लियर है। अच्छा और मेरा इधर क्या लिखा है अभी, लिमिट x is tending towards 0, अब देखो क्या करना है, अब हमारा यूज होगा कंपोजिट फंक्शन, तो उसके लिए रिकॉल कर लेते हैं एक बार, मैंने क्या बताया था कंपोजिट में, f of gx इसकी लिमिट निकालनी, लिमिट लेट से x टेंड्स टू a पे, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब लिमिट को अंदर लेके जा सकता हूं, कैसे लिखूंगा, f और लिमिट को अंदर लेगा, लिमिट x टेंड्स टू a g of x, कब लेके जाते हैं ये चीज, जब
जो जीएक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू है ना उसके ऊपर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। उधर बताया था मैंने, क्या बोला मैंने, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, लेट्स से इसकी लिमिटिंग वैल्यू टू आई, लिमिट टू आई, तो टू पे बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एफ, तब तो हम अंदर लेके जाते हैं। अब इधर देखो, अब मैंने बोला ये जो फंक्शन है ये कंपोजिट है, इसमें अगर मैं इसको एफ ऑफ जी एक्स बोल रहा हूं तो मेरा एफ एक्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, और जी एक्स क्या होगा मेरा ये इतना बड़ा। अब यू कैन सी कि जो मेरा बाहर वाला फंक्शन है अंदर की लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी हो, हालांकि हम बताएंगे अभी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड ही है वो, अंदर की जो लिमिटिंग वैल्यू है इस वाले की लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी हो, e की पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है, तो फिर तो हम लिमिट को अंदर लेके जा ही सकते हैं। और वैसे भी इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वन, ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 है ना, तो 1 पे तो e की पावर x कंटिन्यूअस होता है, वैसे तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इस द रीजन, अब मैं इस रीजन के कारण इस लिमिट को अंदर लेके जा रहा हूं, तो आई कैन राइट e की पावर मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। अब मुझे पता है दिस इज व्हाट, 1, तो आंसर क्या होगा, e की पावर 1, दैट इज e। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया क्या लिखा मैंने, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। वैसे देखो ये फॉर्मूला जो है ना कम ही यूज होगा, मैं अभी एक और फॉर्मूला ड्राइव करवाऊंगा, 99% में वो यूज होगा, ये बहुत ही कम चांस है डायरेक्टली यूज हो, ठीक है, उससे तुरंत आ जाएगा ये, उस वाले जो अभी फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं मैं, ड्राइव करवाने वाला हूं, उससे ये चुटकियों में आ जाएगा आंसर। तो इसको याद करना है तो कर लो, बट नॉट रिक्वायर्ड इट ऑल, बट हाँ प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो अब हम इसके ऊपर वो पहले फॉर्मूला वाला और ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक साथ इलस्ट्रेशन लूंगा, ठीक है ना, एक साथ इलस्ट्रेशन लूंगा बेस्ड ऑन 1^(∞) फॉर्म। तो देखो पहले तो मैंने इसी को दोबारा एक और तरीके से लिखा, मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, और मेरा अगर एफ एक्स जो है अगर वो जीरो को जा रहा है, मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे अगर एफ एक्स जीरो को जा रहा है, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस एफ एक्स रेस टू पावर 1 अपॉन एफ एक्स, वही चीज लिखी जो अभी मैंने लिखा था, इस फॉर्म में भी लिख लो, मैंने बोला अगर x मेरा a को जा रहा है और x a जा रहा है और मेरा फंक्शन उस a पे, अगर x a को जा रहा है उस वक्त मेरा fx 0 को जा रहा है, तो मैं लिख रहा हूं 1 plus fx raised to power 1 by fx is e, तो वही चीज है, this is my something, 1 plus something और वो something 0 को जा रहा है, raised to power 1 upon something, ठीक है ना, तो 1 raised to infinity फॉर्म हो गई, आंसर इज ई, तो इस फॉर्म में भी लिख लो, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ x जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल चलो लिख लेते, मैंने कहा एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 प्लस, चलो ऐसे लिख लो, 1 प्लस x माइनस 2 होल रेज टू पावर 1 अपॉन x माइनस 2, तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्या बोलूंगा मैं, आंसर इज e, व्हाई, द रीजन इज x माइनस 2 मेरा कहां जा रहा है, ये x अगर 2 को जा रहा है तो 0 को जा रहा है, तो 1 प्लस समथिंग रेज टू पावर 1 अपॉन समथिंग, और वो समथिंग दोनों 0 को जा रहे हैं, और समथिंग जो है वो सेम भी है, तो डायरेक्टली आई कैन से आंसर इज ई बेस्ड ऑन दिस, ठीक है ना। चलो अब आते मेन फॉर्मूला जो है इसमें, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं, मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे लेट माई एफ एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 और जी एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, मैंने बोला दो फंक्शन है, अगर x a को जा रहा है तो मेरा एक फंक्शन fx है वो 1 को जा रहा है, अप्रोचिंग है 1 अप्रोचिंग, और gx है वो इंफिनिटी को जा रहा है, तो fx रेज टू पावर gx की लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a पे, तो इसका फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, बेसिकली वही है 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है, बेसिकली 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसका हम एक रेडीमेड फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, तो हमें वो लॉग वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मतलब इसको पहले लॉग में लिखो, वो मैं करके दे रहा हूं तुम लोगों को, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, फाइनली वी विल ड्राइव, तो हम जो भी क्वेश्चन आएगा ना 1 रेज़ टू इनफिनिटी, हम इधर से ना स्टार्ट करके डायरेक्टली वो रिजल्ट याद रखेंगे, उसमें वैल्यू प्लग्स करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं ड्राइव कर लेता हूं, ठीक है, ड्राइव के लिए क्या करें, बताया था तुम्हें अभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या लिखूंगा, ई की पावर में ln ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स, दिस आई कैन राइट इट एज ई की पावर जी एक्स इंटू एल एन एफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो हाँ ठीक है, तो अब मेरा इधर क्या है लिमिट, इधर क्या है मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, लिमिट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए, अब अगेन एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन है,
बार वाला फंक्शन ई है विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल है, तो इस लिमिट को मैं अंदर लेके जा सकता हूं। तो मेरा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ई की पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ एक्स। अभी ये फाइनल नहीं, अभी देखो और कर रहा हूं मॉडिफाई। अब देखो अब मेरा एफ एक्स कहां जा रहा है, वन को जा रहा है। अब मुझे पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए अगर मेरे पास लॉग है तो मुझको क्या, मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स वन प्लस समथिंग होना चाहिए। तो मैंने उसको इधर लॉग के आर्गुमेंट के अंदर वन जनरेट किया, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैं इसको लिख रहा हूं ई की पावर में लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, जी एक्स इंटू एल एन ऑफ वन प्लस, फिर माइनस वन करना पड़ेगा, तो मैंने इधर लिख लिया एफ एक्स माइनस वन। देखो अभी ये चीज और ये चीज सेम लिखी है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब मेरे को एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग है, ये समथिंग नीचे चाहिए, नीचे चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो एफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और इधर मैं मिटा रहा हूं, तुम लोग लिख लेना इसको, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरा जो पार्ट है, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस पार्ट इज माई वन। तो फाइनली अब आंसर मिल गया, जो रिजल्ट मिला, आंसर इज ए की पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए, इधर तो जी एक्स लिखा है, तो जी एक्स इंटू और ब्रैकेट में लिखा है ये इसका ये एफ एक्स माइनस वन। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोल रहा हूं ना अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर आते हैं मेंस में, ठीक है ना, वन रेस टू इन्फिनिटी। तो क्या है हमारा ये फाइनली, ये रिजल्ट तुम लिख लेना, ये रिजल्ट हमारा इसके बराबर आया। आई कैन राइट दिस एज दिस प्रोवाइडेड अगर एक्स ए पे जा रहा है उस वक्त मेरा एफ एक्स वन पे जाना चाहिए और जी एक्स इन्फिनिटी, मतलब बेस मेरा वन को जाना चाहिए और पावर मेरा इन्फिनिटी को, तभी मेरा वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, क्लियर है। तो ये जो मेहनत की ना हमने, हमें एग्जाम में ये नहीं करनी है, हमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लग करनी है, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे लिखें, देखो मैंने बोला इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, था क्या मेरा एफ एक्स क्या था, बेस था, क्या था देखो एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स था, ठीक है। फिर मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ये लिखा है, तो मैंने बोला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पावर इंटू बेस माइनस वन, ऐसे लिख लो तो याद रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जैसे एक नोट करके और लिख लो, जैसे मैंने लिखा ई एक्स पी ऑफ टू, दिस मीन्स ई स्क्वायर, ई एक्स पी दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन होगी। जैसे मैंने लिखा ई एक्स पी ऑफ फाइव इज नथिंग बट ए की पावर फाइव, क्लियर है। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पावर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इस वाले फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ई एक्स पी ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू, पावर में नहीं अब लिखा है मैंने ये लिमिट ऑफ पावर इंटू बेस माइनस वन। आई होप समझ में आया होगा ई एक्स पी ऑफ दिस, जैसे मैंने लिखा ई एक्स पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस मीन्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन, नोटेशन है हालांकि कुछ ऐसा हाईफाई चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थियरी पार्ट रिलेटेड टू दिस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो तुम वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो।